अपनी जेई और नीट की तैयारी की अब उसमें आगे क्या करना है तो दोस्तों बहुत छोटी सी बात बताऊंगा कि मान लो यार हम एक साल से दो साल से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए लग रहे थे हमने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी कर ली और हम पीक पर पहुंच गए थे वी आर एट द टॉप वी आर एट पीक और सडनली हमें पता लगता है कि यार आपको कुछ टाइम वहां और स्टे करना है और फिर फतेह हासिल करके वापिस आना है तो यार उस समय कैसे पीक पर रहे यानी अपना जो एंथुजियाजम है जो अपनी नॉलेज है उसको किस तरह से रिटेन रखना है डिमोटिवेट नहीं होना और किस तरह से वहां जो अपने पचास दिन बिताने हैं वो कैसे बिताने हैं मैं इसके रिगार्डिंग मेनली बात करने वाला हूं और आपको बहुत मजा आएगा बहुत ही फिजिबल स्टोरी बहुत ही फिजिबल प्लान मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ जिसका डेल्टा जी दोस्तों नेगेटिव है केमिस्ट्री की ईमानदारी से फॉलो करेंगे स्टूडेंट केटरा, केटरा, कर वन और, तो, और स्टूडेंट टू सर मान लेते हैं यार कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो कुछ परसेंटाइलर रहे होंगे लाइक

इसके अलावा तो दोस्त कोई और कैटेगरी तो नहीं रहेगी यार या तो हम करना चाहते हैं मतलब हम अपनी परसेंटाइल को करना चाहते हैं और दूसरा यार हम अच्छी खासी तैयारी पे हैं और हम थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हैं कुछ बन जाए तो छोटी छोटी गलतियां हुई हैं उनको पता लग जाए कैसे करना है आइए दोस्त कुछ कुछ कॉमन बातों को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा जिसके अंदर दोनों ही कैटेगरी में स्टूडेंट या स्टूडेंट भी दोनों को क्या करना है सबसे पहली चीज वीक एरियाज को फोकस करना है मैं एकदम टाइम टाइम टू बहुत ही डेडिकेटेडली आपको वो सब चीजें बताता रहूंगा जिसके पे आप अपने कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं रिवाइज करना है ठीक है सर ये वीक एरियाज क्या होते हैं यार वो मनहूस चैप्टर होते हैं जिनको देखते ही आदमी के मन में अजीब सा लगता है यार ये चैप्टर का तो कभी सवाल एग्जाम में आया ना तो मैं बना नहीं पाऊंगा

एक सितंबर के बाद ही तो एग्जाम है करीबन करीबन फिफ्टी डेज मिलते हैं यदि आज से मैं स्टार्ट करूंगा तो करीबन पचास दिन है पचास और पचास से ज्यादा नीट तो फिर भी तेरह सितंबर को है एडवांस कब है 27 को यू हैव ए टाइम चैप्टर चैप्टर ठीक है सर वीक आपको पता लग गए आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहे होंगे कि हाँ सर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका सवाल आएगा तो मैं बना दूंगा फोड़ दूंगा सवाल को बहुत ही शानदार बस ऐसा ही कुछ चाहिए जो स्ट्रोंग टॉपिक्स हैं

चाहे वो चैप्टर नंबर वन कोई भी हो सकता है वन टू थ्री एक एक करके वीक वीक इवन नंबर पे वीक चैप्टर्स को पढ़ना है ओड डेज पे वन थ्री फाइव सेवन नाइन उन पे आपको क्या करना है जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और जो मॉडरेट टॉपिक्स हैं उनको आपको उन टॉपिक्स का ओनली क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर मैं बोलूंगा ओनली क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन आपको सिर्फ ये काम करना है क्या आप इवन नंबर वाले दिन यानी दो तारीख चार तारीख छ तारीख आठ तारीख और आज से ही शुरू हो जाना चाहिए आज से ही शुरू हो जाना चाहिए मुझे नहीं पता कि आप किस समय वीडियो देख रहे हैं सुबह हो रही हो रात हो रही हो दोपहर में हो रही हो ठीक है इवन नंबर पे वीक चैप्टर का पढ़ना है फिर बोल रहा हूँ उसका क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे उसका पहले थ्योरी पढ़ेंगे कहां से जो भी आपके पास क्लास नोट्स हैं, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं चाहे आप मेरी YouTube की वीडियोस देखते हैं आप मेरी अकेडमी की वीडियोस देखते हैं जहां से भी आप पढ़ते हैं सेकंड चीज ओड नंबर वाले दिन 1, 3, 5, 7, आप खाली उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और एज वेल एज मोडरेट टॉपिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्योंकि आपने पढ़ रखे उन टॉपिक्स को आपने बहुत बार पढ़ रखा है आपने उन टॉपिक्स को बहुत बार पढ़ रखा है आप उनके सवाल लगाए कहाँ से लगाए जो भी बुक फॉलो करते हैं कोई से भी करते हो जो आज तक करते आ रहे थे ना उन्हीं के सवाल लगा लो यार कोई नई बुक की तरफ मत पागो बढ़िया सी बुक बता दो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप एक बहुत बढ़िया सी बुक बता दो मैं उस बुक को फॉलो करूंगा और फोड़ दूंगा अरे नहीं यार आप तो जो दो साल में करते आ रहे थे बस उतना काम कर लो मैं तो उसी में बहुत खुश हो जाऊंगा तो आप क्या इस काम को आप मेरे साथ एक वीक फॉलो करोगे मैं तो अभी आपसे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मांग रहा इधर लिख देता हूँ क्या आप मेरे साथ इस प्लान को एक वीक तो नहीं चलो दस दिन कर लेते हैं यार ताकि पांच पांच दिन पता तो लगे इवन रोड में कुछ तो कम्प्लीट हो टेन डेज लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको मजा तो पता तो लगे यहाँ पर कितना हम काम कर पाए हैं हम टेन डेज के बाद दोबारे मिलेंगे

जहां पर भी आप हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आप पढ़ रहे हैं आप पहले उनका लेक्चर नोट्स पढ़ लीजिए नोट्स पढ़ लीजिए बिल्कुल भी नहीं आता तो वीडियो लेक्चर देख लो और फिर क्वेश्चन को करना है मतलब सर इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी कम है आइए थोड़ा सा क्लैरिटी और डालता हूँ फिर दस दिन के बाद फिर से मिलूंगा कि कितना आप इम्प्रूव कर पाए या नहीं कर पाए दोस्त आपको बहुत सारी लोग मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें बताने वाले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ हो सकता है आपको बहुत फायदा हो यदि आप इसको सिंसियरली फॉलो करेंगे तो कैसे आइए बात करते हैं सर अब मान लो कि यार सर आठ जुलाई से मैं आपकी बातों को ईमानदारी से फॉलो करूंगा मतलब आपने जो बोल दिया रामबाण मानूंगा मेरा इम्प्रूव होगा परसेंटाइल बिल्कुल होगा ठीक है सर कोई टाइम टेबल बनाना है क्या सुबह उठ के पांच बजे पढ़ना है आठ बजे से पढ़ने बैठना है नहीं जब मन करे जब पढ़ना है और जितना हो सके उतना पढ़ना है कोई लिमिट नहीं है तीन महीने पचास दिन की बात है तीन महीने भी कहाँ बोल रहा हूँ तो मैं पचास दिन की बात है यार जी जान लगा कर पढ़ लो आनंद आ जाएगा प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत आनंद आएगा अच्छा ठीक है सर इतना बात समझ में आता है आठ जुलाई को मान लो कि मैंने स्टार्ट किया मेरा वीक टॉपिक से बीइंग एज स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि सर सर पॉलीमर बिल्कुल नहीं आता ठीक है क्या करें एक बार एनसीआर लो एक बार टी देख लो अदरवाइज मैं हूं ना शाहरुख खान वाला डायलॉग याद आ रहा है अनिरुद्ध वालिया ने यू पॉलीमर पढ़ा रखा है पॉलीमर पढ़ा रखा है यूट्यूब पे पॉलीमर पढ़ा रखा है बीस मिनट की वीडियो होगी बीस मिनट की वीडियो सिर्फ बीस मिनट की वीडियो बीस मिनट की वीडियो देखी सारी चीजें रिवाइज हो गई और फिर अपन लोगों ने क्या कर लिए प्रीवियस ईयर कर लिए प्रीवियस ईयर कर लिए या कोई भी आप रेफरेंस रेफरेंस बुक बुक फॉलो फॉलो करते करते हैं तो कर करते हैं तो तो आप 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 उसको उसको कर कर लीजिए लीजिए कोई भी या आप चाहते हैं कि सर आप हमको चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन बैंक दे दीजिए या कंप्लीट क्वेश्चन बैंक दे दीजिए जिसको हम लगाएं और हम सॉल्व करें तो अपन ऐसा भी कर लेंगे कि पचास दिन हम एक क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा चार पांच सौ सवालों का जैसा कि कुछ दोस्त मेरे को रिक्वेस्ट भी कर रहे थे आप जैसे कि सर कर दीजिए तो उनको अपन डे बाई डे सॉल्व कर लेंगे Alternate day, एक दिन दिन आपको दूंगा करने के लिए अगले मैं डिस्कस कर कर ऐसा भी अपन कर लेंगे तो that all up to you कि आप उन वीक को किस तरह से कर हैं दोस्त कोई वीक लगता है ना तो उसको इम्प्रूव किए बिना परफेक्शन नहीं आएगा और कैसे परफेक्शन आएगा इंप्रूव करने से इंप्रूव कैसे करें थ्योरी नहीं आती तो थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी जब एक बार कमांड हो गया तो आप क्या कर सकते हैं Questions को लगा डालिए प्रीवियस ईयर प्रिवियस लगाइए और काम में ताजी लाइए सिर्फ पचास दिन का प्लान है आप इस इवेंड ओड रूल से फॉलो करते जाएंगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका जरूर बहुत ही शानदार हो जाएगा क्या आपको ये वाली, ये वाली बातें क्लियर हो गई हैं दोस्त तो टेन डेज के बाद मैं दोबारा मिलूंगा जैसे एक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना कि दस दिन के बाद ये दवाई ले लो और मुझे बताना कि कितना आराम आया तो मैं भी आप लोगों के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलूंगा कि आप मुझे बताना कि दस दिन के बाद आपका जो वीक टॉपिक था उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक था उसके सवाल आपने और अच्छे से बनाए कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई थी आपने उसको लर्न किया इनऑर्गेनिक कुछ कुछ जो चीजें याद नहीं होती थी आपने इवन नंबर वाले दिन वीक चैप्टर्स में उनको कंसिडर करते हुए याद किया या नहीं किया ये सारी चीजें मैं आपसे दस दिन के बाद मिलूंगा और एक इसी तरह आपका फीडबैक जरूर लूंगा और आप इस चीज को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ इतना ही बात फॉलो करना है देखो यार इतना सही तो खेला कोई बहुत बड़ा तो ऐसा अमृत तो है नहीं कि मैंने बोला और आपने ये कर लिया और सफलता मिल गई क्या है यार आप सब जानते हैं कि जिस चीज से हम डरते हैं उस पर हम यदि कमांड कर ले उसको ओवरकम कर ले, उस वीकनेस को ओवरकम कर ले, तो ऑटोमेटिकली वो बढ़िया हो हो जाएगा हो जाएगा पॉइंट तो इतना सही तो काम अपने को करना है तो उम्मीद कर रहा हूं कि काम आप जरूर करेंगे और इसके साथ आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे तो दोस्तों मेरी छोटी सी स्ट्रेटेजी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ यूट्यूब चैनल पे वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना दस दिन के बाद फिर मिलेंगे और पूछूंगा कि हाल कैसा है जनाब का यानी कितना आपको परफेक्शन मिला कितना आप सीख पाए हैं तुम दोस्तों याद रखना तैयारी आप जी जान से करते रहिए मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हमेशा है तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टेल देन स्टे सेफ गुड बाय टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस बाय बाय एवरीवन